याद करते हैं, जिस हमें याद रहेगा। भाई एक आदमी थे, उन्होंने पहना सूट, इसको आप याद करें, उन्होंने पहना सूट, वो गए राज्यसभा, उन्होंने लिया ओथ, उसके बाद उन्होंने किया अलाउंस, उनको मिले पैसे। मतलब कि भाई एक नेता थे, वो सूट पहन के, ये पहला जो हमारा आप बता रहे हैं, ये पहला आपका शेड्यूल है सूट, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी के बारे में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा, सूट पहन के वो गए राज्यसभा, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ओथ लिया, उसके बाद वहाँ से अलाउंस लिया, उन्होंने काम किया शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में और पेशा में, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया आपका, छः आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, एल जी ला ए पी एम, मतलब क्या हो गया आपका, एट शेड्यूल में क्या है आपका, एल जी मतलब लैंग्वेज, ला मतलब एवोल्यूशन ऑफ लैंड, जो आपकी जिम्मेदारी सिस्टम थी, जो हमारी क्या कह रहे थे हमने एवोल्यूश किया था। उसके बाद ए मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, पी मतलब पार्लियामेंट, सॉरी पंचायती राज, और एम मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो अब इस तरह से आप भी अपना कोड बना सकते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ एग्जाम टाइम पे, यदि आपको भी याद रखना है तो आप इसको मदद ले सकते हैं या अपना कुछ बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है, अब हम शुरू करेंगे प्रीएम्बल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अब देखिए, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एट ए ग्लांस देखेंगे हम, कि देखिए भाई बात यह है कि कोई भी कंट्री होगी तो पहली बात क्या, कंट्री क्या, वो क्या डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया है, आप ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे हो, तो पहले बोलोगे यार बाउंड्री तो होनी चाहिए हमारे पास, चलो बाउंड्री आपने डिफाइन करी, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपने डिफाइन कर ली, आर्टिकल 1-4 आपने बता दिया बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे, यार बाउंड्री के अंदर कौन रहेंगे, लोग रहेंगे, आप सिटीजनशिप डिफाइन करोगे। अब जब लोग रहेंगे तो इनको क्या चाहिए, कुछ राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट, आपने फंडामेंटल राइट दे दिया। अब फंडामेंटल राइट दिए, कुछ राइट ऐसे हैं जो आप इस समय नहीं दे सकते, 1947 में नहीं मिल सकता था, क्यों नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस समय हमारे पास एक लिमिटेशन सी, हमारे पास पैसा उतना नहीं था। राइट टू एजुकेशन अभी जोड़ा गया है, क्यों, पैसा आया तब जोड़ेंगे ना भाई, ऐसे थोड़े जोड़ देंगे। तो कुछ आपको राइट्स देने हैं, वो किस में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, चलो DPSP आ गया। अब भाई राइट्स लिए हो तो थोड़ा सा काम ये करो कि कुछ ड्यूटी भी तो होगी आपकी, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, अच्छा आपके हो गए, यहाँ तक मैंने बता दिया कि यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा भाई, बात ये होगी कि अब इतने सारे सब कुछ मैंने बता दिया कि भाई ये हमारा हो गया, फंडामेंटल राइट भी दे दिया आपको, DPSP भी दे दिया, अब यहाँ गवर्नमेंट बनाऊंगा, कौन सा गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसमें तीन पार्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी और काक, ये मैंने बोल दिया कि यूनियन हमारे गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसी के संदर्भ में मैं क्या बोलूँगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी डिफाइन करूँगा कि क्या है हमारा, जनरल क्या है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मैंने डिफाइन कर दी। अब फिर क्या बोलूंगा मैं कि भाई गवर्नर भी स्टेट के पार्ट होगा, हाई कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। फिर क्या बचता है, आपने सेंटर डिफाइन कर दिया, स्टेट डिफाइन कर दिया, बचता है यूनियन टेरिटरीज। देखो जी, अब यूनियन टेरिटरी डिफाइन करोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है, पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जबकि ये पंचायती राज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 73rd और 74th अमेंडमेंट में रिस्पेक्टिवली आए हुए हैं, लेकिन देख रहे हो आप इनकी प्लेसिंग कहाँ पे की गई है, प्लेसिंग नीचे भी कर सकते हैं, प्लेसिंग नीचे नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर मैनेज्ड है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है ना, किस तरह से हमें जाना है। उसके बाद देखिए आपके एक और होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ओके, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे गवर्नेंस की चीज़ें हैं। उसके बाद भाई क्या हुआ, आपने बता दिया सेंटर भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, और यूनियन टेरिटरी बता दिया, पेशा एक्ट भी बता दिया, ट्राइबल एरियाज भी बता दिया, रिलेशन देख लो आप, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उनका क्या कैसे कैसे पावर होंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो ये इनके रिस्पेक्टिव क्या है, इनके आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो 213, 214 से 232 कौन आएगा आपका, हाई कोर्ट्स आएंगे, इस तरह से ही है। आप इसको इस तरह से आप देखोगे ना तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, जितने भी यहाँ पे हैं आपके ये चीज़ें, और आपको पूरा याद नहीं रखना, आपको बस एक जिस्ट रखना है कि अच्छा जी ये हमारा जो यूनियन टेरिटरी है ये 239 से 242 के बीच में है ना, पंचायत जो है ये 243 ओ पे है, आपको प्रॉपर याद नहीं रखना, बस एक आपको ग्लिम्स रखना है, एक झलक रखनी है इस चीज़ की है ना। इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ का इसी तरह से आप बना सकते हैं रिलेशन, और मेनली आपको यूनियन तक और प्रेसिडेंट तक आपको याद रखना चाहिए कि इसके बीच में यहाँ पे हैं। और जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गया तो आप देख सकते हैं कि 352 to 360 के बीच में है, ओके, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, 368 में है, ओके, तो इस तरह से कि आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये स्टेट PSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखना, इसको आप याद रखें इस तरह से। और अगला आप देख सकते हैं कि अब देखिए बात यह है ब्रो यहाँ पे कि हमें क्या करना है कि शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, शेड्यूल से एक सवाल रहेगा इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से रखें।
पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस समय क्या थे, हमारे 8 शेड्यूल बने हुए थे। तो पहले शेड्यूल में क्या हुआ था कि हमने बताया था नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, कि भाई स्टेट है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है भाई। नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, तो भाई देखो जी आप यहाँ पे SUT मैंने लिख दिया है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है ये इसमें बताया गया है पहले शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में ये बताया गया है कि भाई क्या अलाउंसेज होंगे, क्या प्रिविलेज होंगे, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ओके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड काग, ये सेकंड शेड्यूल में रखा गया है। थर्ड शेड्यूल में रखा गया ओथ, ओथ दिलाने के लिए, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेज, काग, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और जजेज। फोर्थ शेड्यूल में ये रखा गया एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, कि भाई यूपी की यूपी में कितने राज्यसभा की सीट होगी, एमपी में कितने राज्यसभा की सीट होगी, इस तरह से हमने क्या किया, एलोकेशन किया है यहाँ पे सीट को स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, ओके। फोर्थ शेड्यूल में ये किया है। फिफ्थ शेड्यूल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिफ्थ शेड्यूल हमने क्या किया है कि प्रोविजनल रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। भाई देखो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का हमने अलग किया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्यों, क्योंकि उनका कल्चर अलग है ना, जो ट्राइब्स के एरिया कल्चर अलग है, उनको एक लॉ से आप नहीं गवर्न कर सकते, इसलिए उनको कहीं पे ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, कहीं पे आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल तीनों काम उनको देने पड़ेगा, आप ही कर लो भाई, क्योंकि भाई अब एक लाठी सबको नहीं हाँक सकते ना, सबके लिए अलग अलग आपको प्रोविजन देने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको क्या कहें शेड्यूल एरियाज को और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमने अलग दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिक्स शेड्यूल हमने क्या बोला है कि जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बाद भी हमने एक प्रोविजन डलाया है जिसमें बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, और इसमें चार स्टेट आते हैं, कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं पेसा एक्ट। इसके बाद देखिए सेवन शेड्यूल में हमने क्या किया कि पावर डिवाइड किया है, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, ठीक है, उसके बाद हमने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट पे काम कौन करेगा, सेंटर काम करेगा, स्टेट लिस्ट पे काम कौन करेगा, स्टेट करेगा, और कंकरेंट लिस्ट पे क्या काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, स्टेट और सेंटर दोनों काम करेंगे, लेकिन दोनों ने लॉ बनाया तो कौन प्रिवेल करेगा, सेंटर, सेंटर का लॉ प्रिवेल हो जाएगा ओवर द स्टेट लॉ, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में हमारे 61 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में हमारे 52 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद एट्थ शेड्यूल में हमारा लैंग्वेज है, पहले हमारे ओरिजिनली हमारे 14 लैंग्वेज थी, बाद में हमने क्या किया है इसको 22 लैंग्वेज बना दिया है, जोड़ जोड़ के आप देख लें यहाँ पे ये आपके अमेंडमेंट हुए हैं 21, 71 and 92 अमेंडमेंट, इसमें हमने क्या किया अपने लैंग्वेज को जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है नाइन्थ शेड्यूल बाद में जोड़ा गया, क्योंकि पहले ओरिजिनली हमारे कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, नवा हमने जोड़ा, इसमें हमने क्या किया कि जो लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, भाई बात यह है कि उन्होंने जो हमारे महलवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम लगाई थी तो वहाँ पे एक हाथ में बहुत ज़्यादा जमीन कंसंट्रेट हो गई थी, अंग्रेजों ने इसीलिए बनाई थी भाई कि बहुत सारा, एक ऐसा करो कि बहुत बड़ा लैंड दे दो एक आदमी को, क्यों, क्योंकि उनको आसानी हो जाएगी रेवेन्यू कलेक्ट करने में, वो तो पैसा कमाने हैं, रेवेन्यू उनको आराम से कलेक्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या हुआ जमींदारी सिस्टम हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसको एबॉलिश करना था, क्यों, क्योंकि हमें छोटे छोटे लैंड डिवाइड करके और जो सही में जिनको ज़रूरत है लैंड की उनको देना था, इसलिए हमने क्या किया था लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये हमने 9th शेड्यूल में रखा। 10th शेड्यूल में ये रखा भाई की बात ये है अयाराम गयाराम का केस आपने पढ़ा होगा, अयाराम गयाराम में ये कि भाई एक आदमी थे राम गयाराम थे, वो भाई एक दिन में क्या किया उन्होंने तीन पार्टी बदल दी, ठीक है, एक दिन में तीन पार्टी बदल दी, तो भाई इससे ये होता है ना कि हमारी जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, बार बार हमारे जो उसके मेंबर हैं पार्टी के और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली हैं, बार बार चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ इनस्टेबिलिटी होगी। तो देखिए जी बात यह है कि हमारे यहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था कि हमारे यहाँ की जो बात है कि हमने सबसे ज़्यादा क्या चूज़ किया, हमने ये चूज़ किया है कि हमारे बीच कोऑर्डिनेशन हो किसके बीच, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच ओवर द स्टेबिलिटी, है ना, तो इसमें इसीलिए हमारे उस समय नहीं लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही, इनस्टेबिलिटी हो रही थी, तो बोला कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लाओ और ये आगे हम पढ़ेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। तो 10th शेड्यूल में हमने क्या लाया भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया है। उसके बाद 11th शेड्यूल में हमने पंचायती राज जोड़ा है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 12th शेड्यूल में हमने क्या जोड़ा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट जोड़ा है, जो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमारा आया हुआ था। भाई ये तो रही बात एग्जाम की, बात करते हैं जिस हमें याद रहेगा, भाई एक आदमी थे उन्होंने पहना सूट, इसको आप याद करें, उन्होंने पहना सूट, वो गए राज्यसभा, उन्होंने लिया ओथ, उसके बाद उन्होंने किया अलाउंस, उनको मिले पैसे, मतलब कि भाई एक नेता थे वो सूट पहन के, ये पहला जो हमारा आप बता रहे हैं
ये पहला आपका शेड्यूल है सूट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा, सूट पहन के हो गए राज्यसभा, उन्होंने क्या किया वहाँ पे ओथ लिया, उसके बाद वहाँ से अलाउंस लिया, उन्होंने काम किया शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में और पेशा में, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया आपका, छः आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, एल जी ला ए पी एम मतलब क्या हो गया आपका, एट शेड्यूल में क्या है आपका, एल जी मतलब लैंग्वेज, ला मतलब एवोल्यूशन ऑफ लैंड, जो आपकी जिम्मेदारी सिस्टम थी जो हमारी क्या कह रहे थे हमने एवोल्यूश किया था। उसके बाद ए मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, पी मतलब पार्लियामेंट सॉरी पंचायती राज, और एम मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो अब इस तरह से आप भी अपना कोड बना सकते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ एग्जाम टाइम पे, यदि आपको भी याद रखना है तो आप इसको मदद ले सकते हैं या अपना कुछ बना सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे प्रीएम्बल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।